योगी सरकार ने यूपी में बदलाव की बात कही थी और महिलाओं को उच्च स्थान भी देने का वादा किया था, लेकिन ये दावले तो खोखले निकले। जहाँ सालों की उम्मीद कोर्ट के एक फैसले पर झटके से टूट जाने पर शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन के दौरान महिला शिक्षा मित्रों को दौड़ा दौड़ा कर उन पर लाठीचार्ज किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से यूपी में नाराज शिक्षा मित्रों का विरोध जारी है। शिक्षा मित्रों और पुलिस के बीच धर्मशाला बाजार से गोलघर काली मंदिर के बीच 3 घंटे तक संघर्ष हुआ। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले अपने बल का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं के बाल पकड़कर पीट रही है और चिल्लाने पर थप्पड़ भी मार रही है। पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा और 16 महिलाओं को हिरासत में भी ले लिया। इस दौरान कई महिला शिक्षा मित्र चोटिल भी हो गए। हालांकि वाटर कैनन के इस्तेमाल ने महिला शिक्षा मित्रों की हालत और खराब कर दी। प्रदर्शन में शामिल महिला शिक्षा मित्रों के अभिभावक उनकी स्थिति देख परेशान ही रह गए।